वेल हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और एक्चुअली में ये गुड मॉर्निंग है, मतलब गुड मॉर्निंग उन सबके लिए भी जो इंडिया को फॉलो कर रहे थे, जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, और गुड मॉर्निंग उनके लिए जो संदीप के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। एंड दिस इज अ टाइट स्लैप ऑन यूएस एम्बेसी अमेरिका पर, ये टाइट स्लैप लगा और ये बहुत अच्छे टाइम पर आया और बहुत सही स्लैप लगाया। और मतलब आप देखो कि सब कुछ होने के बाद उन्होंने वीजा कैंसिल कर दिया, बट देन फाइनली संदीप इज इन वेस्ट इंडीज नाउ। कुछ रूमर्स चल रहे थे और रूमर्स पर मैं यूजुअली इतना बिलीव नहीं करता हूं, इसलिए मैं इस बात को भी अभी तक मैंने वीडियोज नहीं बनाई थी, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर सम वैलिड न्यूज। कुछ लोगों ने मुझे बताया, कुछ लोग जो आप लोग में से हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया। बट देन संदीप ने खुद अभी 17 मिनट पहले संदीप ने पोस्ट डाली है फेसबुक पर और बता दिया है कि जी मैं वेस्ट इंडीज पहुंच गया हूं। और बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी यहां पर, बताऊंगा संदीप ने क्या लिखा है। एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी यहां पर संदीप की और कैन की ये लगी कि उन्होंने इस बात को हिडन रखा। अगर ये बात भी बाहर रिवील कर देते तो यू नेवर नो कि कौन सा प्रोपोगंडा बन जाता, कौन सी प्लानिंग बन जाती और उसमें ये फिर से एक लूप में फंस जाते। पहले वो केस वाले लूप में फंसे भाई, पोस्टपोन, फिर उसके बाद ये वीजा वाले लूप में फंसे, वहां भी क्लियर नहीं हुआ, तो लूप में बार बार ये फंस रहे थे। एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि हाँ रूमर्स आ रहे थे, लोग बात कर रहे थे, बट संदीप ने अपनी तरफ से कुछ भी ट्वीट नहीं करा या कुछ भी फेसबुक पर नहीं डाला कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू वेस्ट इंडीज, या फिर कैन ने नहीं लिखा या पारस वर्गा ने लिखा कि नहीं जी संदीप इज कमिंग ऐसा। हाँ ये बात हो रही थी कि हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा, बट कोई क्लियर पिक्चर नहीं दी गई थी, विच इज अ वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि उनको पता था कि भाई बैक टू बैक जब हम आगे बढ़ रहे हैं तब पीछे फेंक दिया जा रहा है, जब कुछ कोशिश कर रहे हैं तो किसी लूप में फंसा दिया जा रहा है, जब आगे जा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ ऐसे करके फंसा दे रहे हो। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव कि जब संदीप वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद उन्होंने फेसबुक पर डाला कि ये देखो जी पिक्चर के साथ कि मैं सही सलामत पहुंच गया हूं। पहले तो उन्होंने लिखा, उन्होंने कैन का थैंक किया, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री का थैंक किया, उन्होंने फैंस का थैंक किया और सब लोगों का थैंक किया जो भी इसमें इन्वॉल्व थे। नाम लिख करके उन्होंने चतुर बहादुर सर का नाम लिखा है, पारस फड़का जी का नाम लिखा है कि मैं इन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने अपने लॉयर सरोज को थैंक कहा है। इसके बाद जो अगला पैराग्राफ उन्होंने लिखा, और चार पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जो अगला पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं पढ़ के आपके सामने बताता हूं और फिर उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उन्होंने लिखा कि आई एम डिसाइडेड टू सी द डिलिबरेट इमेज टार्निशिंग की बात हो रही है। इन्होंने लिखा कि आई एम डिसहार्टेंड टू सी द डिलिबरेट इमेज टार्निशिंग ऑफ चतुर सर, पारस खड़का एंड कैन। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को देखकर बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हुई कि जो लोग मेरी मदद कर रहे थे उनकी इमेज टार्निशिंग हो रही है, मतलब इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। पारस सर की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, चतुर सर की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये बोल करके कि ये लोग इन्वॉल्व हैं मुझे दूर रखने में। आपने बहुत सारे ऐसे रूमर सुनी होगी जहां पर ये बात कही जा रही थी कि संदीप को दूर रखने में पारस का हाथ है। बहुत लोग ये बात कर रहे थे कि जी पारस नहीं चाह रहे हैं कि संदीप आए, वो बार बार ऊपर से दिखावा कर रहे हैं लेकिन चाह नहीं रहे। इस तरह के बहुत रूमर्स थी और रूमर ये भी थी कि चतुर को हटाओ, ये बहुत चतुराई कर रहा है, बहुत लोग कह रहे थे, लेकिन संदीप ने सबसे अच्छा काम करा है कि अपने इस पोस्ट में ये लाइन सबसे मतलब फोर्थ पैराग्राफ पे ये लाइन लिखी है कि आई एम डिसाइडेड टू सी द डिलिबरेट इमेज टार्निशिंग ऑफ इंपॉर्टेंट फिगर्स लाइक चतुर, पारस and who made my comeback possible. Please do not follow all these false propaganda surrounding my visa issue that people are using to tarnish CAN and Nepal cricket's image. नेपाल क्रिकेट की इमेज को कुछ लोग टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं, कैन की इमेज को कुछ लोग टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं, पारस सर की इमेज को कुछ लोग टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं और चतुर सर की इमेज को लोग टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस प्रोपेगेंडा में मत पढ़ना जो अलग अलग वेबसाइट्स छाप दे रही हैं, जो कहीं से आप सुन ले रहे हो, किसी सोर्स से पढ़ ले रहे हो कहीं पर आप कि भैया पारस सर जो है वही इसके पीछे हैं, इन बातों में बिलीव मत करो। खैर अब ये सब बातों का कोई मतलब भी नहीं बनता है, बिकॉज संदीप ने सामने से आकर कह दिया और संदीप ने कहा कि आओ साथ में मिल करके सेलिब्रेट करते हैं 10 साल बाद जो हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं उसको। इट्स अ बिग बिग न्यूज, इट्स अ बिग ब्रेकिंग एट दिस मोमेंट। आप में से जितने लोग अभी सो करके उठे हो, इट्स अ बिग न्यूज फॉर यू। आई नो कि आप लोग बहुत खुश होंगे, मेरे लिए तो खैर अभी दिन खत्म होने वाला बिकॉज मैं ऑफिस से जस्ट आया था, आज काफी लेट हो गया, इट्स 8 in the morning और अभी जस्ट मैं आया हूं और आके आपके सामने बैठा हूं, तो अभी की ये फ्रेश न्यूज है तो मैंने सोचा यार क्यों ना आपसे डिस्कस करता हुआ चलूं। और
कैसे ये हेल्प करने वाली है नेपाल को और कौन कौन से मैच ये खेलेंगे। तो फिलहाल ये साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश ये दो मैचेस खेलेंगे, क्योंकि श्रीलंका वाला मैच जो है वो फ्लोरिडा में है, तो वो ऑब्वियसली अमेरिका ने तो दिया नहीं। तो आप श्रीलंका वाले मैच पर फोकस करो, आगे वाले मैच की प्लानिंग थोड़े दिन बाद हो जाएगी। फिलहाल संदीप वहां पहुंच चुके हैं और इनकी अवेलेबिलिटी टीम को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। साउथ अफ्रीका के सामने काफी हेल्पफुल होगी, बांग्लादेश के सामने काफी हेल्पफुल होगी, लेकिन उससे पहले आपको खेलना है श्रीलंका को। तो श्रीलंका के लिए अब प्लानिंग बहुत सॉर्टेड होनी चाहिए कि जी श्रीलंका को हमें किस तरह से मात देनी है, क्योंकि आगे जो है वो थोड़ी सी यार स्ट्रेंथ तो आपको मिल गई है। देखो आपने जब हाल फिलहाल में नेदरलैंड्स के सामने एक छोटे टोटल को डिफेंड करते करते बस रह गए थे, वहां पर अगर संदीप होते तो वो हेल्प मिल जाती, वो एक हेल्प मिल जाती और वहां पर आपको एक दो विकेट मिल जाती। तो संदीप, हालांकि देखो एक बात मैं फिर से कहूंगा भाई, अगर संदीप बहुत दिन के बाद आ रहे हैं और बाई एनी चांस संदीप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आती है, थोड़ा सा धैर्य रखना और वो क्वेश्चंस की झड़ी मत उनके ऊपर लगा देना, बिकॉज बहुत टाइम बाद ये बंदा वापस आया है और बहुत मेहनत के बाद आया है यार। आप देखो ना कैन के कितने लोग लगे, आप देखो पारस सर ने कितनी मेहनत करी, आप देखो क्या कहते हैं चतुर सर ने कितनी मेहनत करी है, तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए थे संदीप के साथ, सब ने मेहनत करी, संदीप ने खुद कितनी मेहनत करी और तब जाकर के ये पहुंचे। तो देखो हम में से बहुत ज्यादा 10 times ज्यादा 100 times ज्यादा संदीप वुड वॉन्ट टू परफॉर्म देयर और संदीप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वी आर वेरी होपफुल कि संदीप होंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। बट अगर बाई एनी चांस कि संदीप आते हैं पहला मैच खेलते हैं और बहुत इफिशियंट नहीं दिखते हैं, बहुत इफेक्टिव नहीं दिखते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, थोड़ा सा काम कर लेना और अपने जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट दिखा, जिस तरह से हम सब ने सपोर्ट दिखा अपने ट्वीट से, अपने वीडियो से, अपने मैसेजेस से, उसी तरह से सपोर्ट लगातार दिखाते रहना। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि एक अपसेट नेपाल वापस लेकर के आए, चाहे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ हो। और एक और चीज, ये बिल्कुल मत सोचना कि जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो नहीं हो सकता है। जब नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को उस पॉइंट पर पहुंचा सकता है कि डेविड मिलर ने अगर वो छक्के नहीं मारे होते तो वो हार जाते, लास्ट सेकंड लास्ट ओवर में रन नहीं आते तो हार जाते, छोटे टोटल को चेस करने में हालत खराब जब कर सकता है, तो संदीप के होते हुए नेपाल भी साउथ अफ्रीका की ये हालत कर सकता है। ठीक है, आप उस टाइम वेस्ट इंडीज में खेल रहे होगे, कंडीशंस अलग होगी और इस तरह की बेकार पिचेस नहीं होंगी जैसे अमेरिका में, पिचेस थोड़ी सी बेहतर होगी तो आपको रन थोड़े ज्यादा मिलेंगे, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा। एंड अब आई रियली होप के जो बैटिंग यूनिट है वो संदीप के आने से थोड़ा यू नो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है, आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाते हो तो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। बट इस टाइम के लिए यार इट्स अ बिग न्यूज कि संदीप इज बैक और संदीप के होने की वजह से बहुत सारी चीजें होने वाली है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ने वाला है, वहां हेल्प मिलने वाला है। और जिस तरह से बॉलिंग यूनिट जो थी, जो नेदरलैंड्स में हमें दिख रहा था कि यार एक और प्लेयर होता तो शायद यहां पर अगर कुछ कमाल कर देता, वो हो जाएगा। सो आई रियली होप कि संदीप आए और रोहित आए, दोनों मिले, दोनों बैठे, टीम बैठे और कोई बढ़िया सी प्लानिंग हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका के क्लासन लासन ये जितने हैं ना, ये स्पिनर्स के सामने बड़े फीके हैं, तो इनके सामने कुछ बढ़िया प्लानिंग होकर के जाए और फिर वहां से एक जबरदस्त, मतलब मैं तो मुझे मजा आ जाएगा अगर साउथ अफ्रीका को अपसेट दो, बांग्लादेश ठीक है बट साउथ अफ्रीका को अपसेट मुझे मजा आ जाएगा। खैर श्रीलंका उससे पहले संदीप के बारे में और भी हम बात करेंगे, अभी तो ये फ्रेश न्यूज है तो मैंने सबसे पहले आपको दे दूं। अब इनके आने से क्या क्या जरूरत, मतलब चेंजेस आएंगे, क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत सारी मतलब बातें होंगी तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एट दिस मोमेंट इट्स अ बिग बिग न्यूज। सो कांग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन आउट देयर। अभी मैं जाता हूं, इसके बारे में और डिटेल निकालता हूं और देखता हूं क्या, बिकॉज मैंने संदीप का पोस्ट देखा ना, आई वाज लाइक नहीं यार दिस नीड्स टू गो आउट राइट नाउ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है और एक और वीडियो बनाऊंगा थोड़ी देर के बाद। फिलहाल थोड़ा सा देखता हूं वेबसाइट वगैरह पढ़ लेता हूं और उसके बाद आपके पास आता हूं एंड देन वी विल टॉक कि कैसे संदीप के होने से टीम में कितना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, गो चेक अलोंग, सपोर्ट संदीप, सपोर्ट नेपाल एंड देन वी विल मीट वेरी वेरी सून। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।